बहुत टाइम से खाने का मन था, मतलब जापान में थे तब भी ट्राई करने का मन था, वो है लॉबस्टर। लॉबस्टर मंगाया है मैंने, ये जो मैं खा रही हूँ लॉबस्टर। इसका टेस्ट ना, तो उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला है कि रेस्ट करो, झुको मत। और हाँ लगनो ना तिराम लाए चा अलग से, थोड़ा कम तो करोगे। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइज, आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि कल है जन्माष्टमी, तो उसकी तैयारियां चल रही है बुढ़िया माँ के घर में। तो अभी शाम हो चुकी है, मैंने दिन भर करा नहीं कुछ भी, तो अब मैं डिनर की तैयारी करती हूँ और उसके बाद जो भी होता रहेगा वो मैं आपको थ्रू आउट दिखाती रहूंगी। यार जैसा पिंक हो रहा है वैसा क्यों नहीं दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है इसमें बट पिंक हो रहा है। सो गाइज, बहुत टाइम से मुझे जाने का मन था। सोसोरू खुला है क्योंकि यहाँ पे एशियन रेस्टोरेंट है, देहरादून में खुला है पहली बार। मतलब पहली बार तो क्या, बहुत सारे एशियन रेस्टोरेंट्स हैं बट वो वाला रेस्टोरेंट में मुझे जाना है। मतलब सावन से पहले ही खुल गया था वो, मतलब पहले ही खुल गया था वो तो, बट मुझे जाना था बहुत पहले से, बट सावन लग गया ये वो, हमें कभी हम यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं तो कुछ ना कुछ होता रहता है, बिज़ी रहते हैं, निखिल भी बिज़ी रहते हैं ऑफिस में, तो उसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। बट फाइनली आज संडे है, आज जबकि लेट आता है, बट उन्होंने बोला कि मैंने तुमको प्रॉमिस करा है तो मैं तुमको पक्का लेके जाऊँगा, तो 9:30 तक रेडी रहना। तो मैं आज जा रही हूँ ससुर, आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत टाइम से आज, मुझे एक्चुअली मैंने बाहर का खाना भी खाने का मन कर रहा था, तो निखिल बोल रहे थे तुम ऑर्डर कर लो जो तुमको खाने का मन है। सो मैंने सोचा कि यार मैं बार बार बाहर का क्यों खाऊं, क्योंकि हमको ससुरू तो जाना ही है अब, क्योंकि हम लोग ने प्लान किया था कि अब थोड़े इतने दिनों में चले जाएंगे हम लोग, तो मैंने सोचा कि यार मैं जब बाहर का खाना ही है तो आज ही चल लेते हैं फिर, क्योंकि कल भी उनको रात में आके उन्होंने बोला था कि तुम इतना ससुरू कर रही हो तो चलो फिर कल ही चलो, मैं जितने बजे भी आऊँगा उतने बजे लेके जाऊँगा बोला था। मैंने मना कर दिया, हमने बोला नहीं बहुत लेट हो जाता है, बट आज तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई आप तो चल ही लो। सो आज मैं जा रही हूँ ससुरू एंड मैं आप लोग को दिखाऊंगी वहाँ का एम्बियंस बिल्कुल ही डिफरेंट है, वैसा टाइप का है। सिटिंग एरिया भी जैसे वैसा नेपालियों में भी होता है, वैसे नेपाली रेस्टोरेंट में भी होता है नीचे बैठ के वाला, तो वहाँ पे वैसा वाला सिटिंग एरिया भी है, तो लेट्स सी वो वाला कौन सा वाला सिटिंग एरिया अवेलेबल होगा, तो अभी मैं आप लोग को जाके दिखाऊंगी। सो गाइस, हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं एंड निखिल तो चेंज भी करने को नहीं मान रहे थे, तो मैंने फटाफट से बोला चेंज करो, टी शर्ट दिया क्योंकि वाइट टी शर्ट लगा के गए थे, तो वाइट टी शर्ट तो ऑब्वियस ही बात है कि यूज़ पे गंदा हो जाता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड अब सीधा जा रहे हैं ससुरू, और अभी कितना बज रहा है, 9:47 हो गया, पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे, 10:30 बजे उस बंद हो जाता है और एंट्री करने देंगे वो हमें 10 बजे के बाद, एंट्री करने नहीं देते वैसे 10 बजे के बाद, एक बार हमको उधर से टॉनिक हम लोग पहुंच गए हैं ससुरू। अरे यार कम पास, जल्दी आओ ना यार, बार बार मैंने कितनी बार खोल दिया इसका, फोर्थ में ससुरू। अब हुआ क्या, और नहीं हुआ बबल टी, तुमने भी हो गए बबल टी, व्हाई सब सब में दूध है। अच्छा यहाँ पे वो है ना, इसमें वो था जापानी समथिंग, मैं टोक्यो समथिंग, टोक्यो लेमन है, क्या है उसमें, टोक्यो लेमनेड, लेमनेड है और क्या है। अरे मुझे वो समझ नहीं आ रहा यार, ये तो पता नहीं क्या क्या है इसमें, पोर्को है। गाइज, हमने बेवरेज में मंगाए थे निखिल के लिए टोक्यो लेमनेड और मैंने मंगाया है अपने लिए
बबल गम बबल टी एंड देन हमने आज लेमनेड है ना, वो तुम कैसे पी लेते हो। एक मंगाया है प्रॉन टेम्पुरा, वो हमने ट्राई करा है पहले भी बट हमें यहाँ पे ट्राई करना है। और एक मंगाया है क्रिस्पी चिकन है, अब वो एशियन स्टाइल में होगा, पता नहीं कौन सा स्टाइल में होगा, मुझे नहीं पता। और एक चीज़ मंगाया है मैंने जो मेरे को बहुत टाइम से खाने का मन था, मतलब जापान में थे तब भी ट्राई करने का मन था, वो है लॉबस्टर। लॉबस्टर मंगाया है मैंने एंड इट्स वेरी कॉस्टली बट निखिल बोल रहे हैं डोंट वरी। सो वेट करते हैं खाने का। और फूड इज हियर, मेरे को बहुत टाइम से खाने का मन था दिस लॉबस्टर एंड ये तो हमने ट्राई कर रखा है पहले भी दिस वन बट ये ओह माय गॉड कितना टेस्टी लग रहा है। जस्ट दिस इज द थर्ड वन, व्हाट चिकन फ्राइड चिकन पाव, दिस इज प्रॉन्स टेम्पुरा, दिस इज लॉबस्टर। सो गाइस ये है मेरा बोबा बबल टी, ये तो रहा चॉकलेट। अबे एक ही देखे गए क्या यार, ये ऊंचा था ना, ये ऐसा होता है। थैंक यू सो मच। इसका टेस्ट ना बिल्कुल श्रिंप जैसा है, प्रॉन्स टाइप अंदर से। तिरामिसू तिरामिसू क्या बोलते हैं वो, बन नहीं होता है तिप्पी वाला, हाँ माँ उसमें भी मिलता है ना बालसम में, वैसे ही हो रहा है ये नीचे वाला। मैं तुमको बर्गर वाला फील दे रहा हूँ। चिकन अच्छा है, क्रिस्पी चिकन अच्छा है, तुमको पसंद आएगा। गाइस हम लोग लेट हैं इसलिए क्या बोलते हैं लास्ट ऑर्डर के लिए बोला है, तो लास्ट ऑर्डर में हमने मंगाया है स्टर फ्राइड गार्लिक नूडल्स, तो उसी का वेट कर रहे हैं और वो हमारा लास्ट है। सो अभी हम लोग खाना इंजॉय करते हैं, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। और एंजॉयिंग माय मील, गाइस वी आर डन एंड अब लोग जा रहे हैं, उठ के उठने का मन भी नहीं कर रहा है, मुझे तो सारा नहीं सो जाऊँ, खाना खा लिया ना, एम्बियंस इज सो गुड।
वाला फैन भी है, कितना मस्त लग रहा है ये। चल के चले, यहाँ से आओ ना, ये नहीं खुलता क्या? ओह कितना मस्त हवा आ रहा है बुढ़ो, यहाँ पे वो यहाँ पे भी है, वाव ये आउट बाहर वाला एरिया है, यहाँ पे इतना मस्त हवा चल रहा है गाइस, बहुत अच्छा है, स्पेशियस, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, मतलब यस एक्सपेंसिव डिशेस भी हैं यहाँ पे और नॉर्मल वाले भी हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और मुझे तो ये बैम्बू बैम्बू लकड़ी लकड़ी वाला मतलब ये बहुत अच्छा लगा, बस इंटीरियर तो बाहर की तरफ था कि अंदर की तरफ था, कदा को तरफ थी हो तुम आई नहीं, उधर पीछे भी था ये पूरा बैठने का बिना, अच्छा वहाँ पे भी खींच सकते थे तुम फोटो, तुम आई नहीं, तुमको बुला रही थी मैं। बाय बाय ससुर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज नेक्स्ट डे, आज है जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को। और अभी मैं ना मम्मी को लेकर आ रखी हूँ हॉस्पिटल में, मम्मी का जो मैंने आप लोग को बोला था, तो मम्मी ने बोला था कि नहीं दिखाऊंगी, बट पापा लोग बोल मतलब सब लोग ने बोला कि एक बार यू नो एक्सरे करवाई लो, अगर कुछ हो भी रखा होगा तो अभी जल्दी पता चल जाएगा, तो फटाफट से वो भी हो सकता है अगर बुढ़ापे में, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग आ रखे हैं सिटी हॉस्पिटल में। सो अभी मैं मम्मी लोग गए अंदर, मैं जाती हूँ, मैं भी अंदर जाती हूँ, पापा लोग क्या बोलते उसे एक्सरे के लिए बात कर रहे होंगे। गाइस अब आ गए हैं हम लोग, मम्मी का क्या बोला बताओ डॉक्टर ने? कि कुछ नहीं बोला है, वैसे तो बोला है कि ऐसा अभी मतलब वो नहीं हुआ है, फ्रैक्चर फ्रुक्चर कुछ नहीं हुआ है, बस क्या बोलते हैं ऑब्वियसली बात है लगी है, और तो उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला है कि रेस्ट करो, झुको मत और नीचे मत बैठो, बस आराम से अपने बिस्तर में लेटे रहो, और चेयर में बैठो, बैठना है तो भी ऐसा अड़ीसा वाले, हाँ भारी मत उठाना, नीचे तो बैठना है, झुको भारी उठाने के लिए तो झुकना ही पड़ेगा ना, तो मत झुको बोलने का मतलब वही हो गया। तो अभी हम मतलब वही दवाई दुवाई दिया है, अब कैल्शियम की गोली खाने के लिए बोला है, कैल्शियम और विटामिन डी की, तो खाते रहना, 10 दिन बाद बुलाया है, ठीक हो गया तो नहीं जाएगी, मुझे पता है मम्मी पापा भी ऐसे ही है, सो पापा को भेज जाएगा अपने अमरूद लेने के लिए, आ गए पापा भी अलाहाबाद ये अमरूद। चलिए अब चलते हैं घर, यही वाला लीनू, यही वाला को कलर भी रंग, इसको फूल भी ठीक रंग ले की रहा, इसमें नया वो भी आ रहा है, ब्रांचेस ना इसमें दो आ रहे, इसमें भी है तो मम्मी छा था, इसमें बनी देख लो, इसमें भी छा दो टायर है और नीचे इसमें पेड़ और ज्यादा सा, इसमें पेड़ ज्यादा सा, तो ही तो बनी को ये तो पेड़ कम से नहीं पेड़ इसे निकाले रे लगा ही सकते, अलग अलग भी कर सकते हैं ना इसको, इसमें पेड़ है, अच्छा मर जाएगा वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इन चार के इकट्ठा बना लेंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, और अब हो गई है शाम, तो यानी कि अब जन्माष्टमी मनाएंगे अच्छे से, तो मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, ये देखिए अभी मैं आप लोग को अपना आउटफिट कैसे दिखाऊँ नीचे वाली वीडियो में दिखाऊंगी। सो अभी मैंने पहन ये रहा मेरा मोर वाला प्रिंट वाला, बहुत ही सटल, बहुत ही प्रिटी है ये वाइट कलर का, बट इसमें जो ये डिज़ाइनिंग है ये बहुत सुंदर लग रहा है। सो और ये है मेरा शादी वाला दुपट्टा, मतलब जो मेरा सिंदूर टाइप डालते टाइम पे ये दिया था दुपट्टा, ये वही है, तो ये मैं उसके साथ पहन रही हूँ। सो अभी हम लोग जाएंगे गुड़िया माँ के घर में, एक्चुअली में मुझे ना अंदर जाना नहीं होता है बिकॉज ऑफ यू नो गर्ल्स प्रॉब्लम, तो मैं आप लोगों को बार बार से दिखाऊँगी
मतलब अभी पूजा स्टार्ट करने से पहले तो अभी तो सब लोग कोई नहीं होगा वहाँ पे, खाली होगा, तो मैं आपको वहाँ पे सजावट दिखाऊंगी, इतना सुंदर सजाते हैं। अभी मैं आपको हमारा मंदिर भी दिखाऊंगी जब मम्मी पूजा करेंगे, तो मम्मी ने घर पे भी छोटा सा सजा रखा है बहुत अच्छा सा, बट मेरे को तो होता नहीं है, तो सब कुछ मम्मी ने करा सुबह से, तो मैं भी आप लोग को वो भी दिखाऊँगी। तो क्या बोलते हैं पहले, और मैंने आज एक शॉर्ट्स भी बनाया, वो आप लोग देख भी चुके होंगे शायद, राइट। सो वो मैं बना रही थी, तो यहाँ पे मेरा पूरा सेटअप मेरा बिखरा हुआ है, ये मैं घर से लेके आई थी क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारा है मोर पंखी, लोग ये ख़रीद रहे थे गड़ी से और मैं ये घर से लेके आ गई थी। तो अभी चलते हैं एंड नीचे चलते हैं और तैयारियाँ करते हैं, और मैं आप लोग को भी मंदिर भी दिखाती हूँ हमारा। हजूर पैंट लगाओ ना नीचे से, ये रहा हमारा मंदिर। मैं अंदर तो नहीं जाऊंगी, यहीं से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो हमारे कन्हैया लाल, अब हम आपको बड्डी आमा वाला भी दिखाएंगे, मम्मी ने पूरा सजाया है ये सुबह से। मम्मी गए उधर पूजा करने, तेरे घर गए। ये देखो ये राधा बन के आई है और बाल भी निको रहा है, तो है मैंने बाल लिपस्टिक लगाया, दिखाते से लिपस्टिक निकल जा रहे हैं मेरे बदले का पूजा करने के लिए, मैं आ रही हूँ। ओम हरि ओम गंगादि सप्तऋषिभ्यो नमो नमः, हरि ओम सर्वोच्चारादि गंधाक्षतानि पत्रपुष्पाञ्जलि। ये है झूला, पिछली बार का झूला यहाँ पे ऐसे करके टंगाया था, इधर ऐसे ऐसे करके, फिर वो पूरा लंबा था, इस बार झूला ही लेके आ गए। गाइस देखो बारिश पड़नी शुरू हो गई है, और बोलते हैं कि जब भी जन्माष्टमी होता है उस दिन बारिश होती होती है, जैसे कि उनको जब कृष्णवर्ण पैदा हुए थे उसके बाद उनके जो असली पापा थे वो उनको लेके जा रहे थे यमुना नदी पार कराते टाइम, उस टाइम में भी इतनी बारिश हो रही थी और यमुना नदी का पानी बहुत बढ़िया था, बट शेषनाग जी ने उनको भीगने नहीं दिया था, राइट। तो हमेशा जन्माष्टमी में बारिश होती होती है, और अभी भी बारिश हो रही है, देखो फिर से स्टार्ट हो गया, जैसे पूजा स्टार्ट हुआ यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गया। तो मैं तो अंदर नहीं जा सकती, बट मैं बाहर बैठ के यहाँ से बैठ के सुनूंगी। तो गाइस वहाँ पे तो कीर्तन चल रहा है, मैं तो जा नहीं सकती हूँ, बट मेरा तो इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना, मन मतलब ऐसा लग रहा था सर फटने वाला है। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है और कीर्तन भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं जाती हूँ वहीं पर ही, और मुखिम को सो भी गए बेचारे, उनको तो ऑफिस जाना है कल सुबह सुबह, आपको पता ही है टाइम। सो अभी चलते हैं वहीं पे, लाइट बंद कर देती हूँ यहाँ के ताकि आराम से सो सके। अब मैं जाती हूँ वहाँ पे, और मैंने आप लोग को दिखाई दिया अपने घर वाला भी और वहाँ वाला भी, तो मैं तो 12 बजे खाना खाती हूँ, 12 बजे जब हो जाते हैं ना उसके बाद ही खाना खाती हूँ मैं भी। मैंने ऐसा किया है कि मैं बचपन से रखते हुए आ रही हूँ, बहुत छोटे से रखते हुए आ रही हूँ, आई गेस मैं 8-9 साल की थी तब से मैं रखते हुए आ रही हूँ। तो मेरा को क्या है कि ना, अगर मेरा ऐसा नहीं भी होता है ना कि मैं पूजा वूजा नहीं कर सकती हूँ, तो भी मैं क्या करती हूँ ना, मैं फास्ट रख लेती हूँ उनके नाम का, मतलब कुछ खाती नहीं हूँ, और उसके वो बस ये होता है कि पूजा तो हो ही जाता है घर पे, है ना कोई कर ही देता है, घर पे होती थी तो मम्मी कर देती थी, तो वही है। सो फिर मैं अब 12 बजे बाद ही खाऊंगी, तो 12 बजने वाले हैं, अभी चलते हैं उधर मंदिर में पूजा, वहाँ कीर्तन हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ग्लिम्स।
ढूंढ रही है किसी ने मेरा शाम गाइस, इतना ज़्यादा चीज़ें बनाया है गुड्डियाँ वालों ने, भिंडी फ्राई, दिस इज आई डोंट नो ये क्या है, कद्दू, छोले, पनीर, आलू, सो ये सब चीज़ खा रही हूँ मैं, प्रसाद। मैं अपना फास्ट 12 बजे के बाद ही खोलती, तो अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, सो अभी मैं ये खा रही हूँ। तो सो गाइज, आप लोग ने देख ही लिया कि बर्थडे कैसे मनाया है, तो ख़त्म हो गया है, सब लोग जा रहे हैं अब, जो भी कीर्तन पार्टी वाले थे, और मैं तो बाहर ही बैठी हूँ अभी भी। सो ये ब्लॉग में ही पेंट कर रही हूँ गाइज, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, और कल क्या होगा वो आप लोग को कल नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। सो तब तक के लिए गाइज, लव यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।